सदका देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ लोग कहते हैं सदका दें, ये क्या कहते हैं वो निकालें। सर हमारे यहाँ एक साहब थे, मैं मुझे हैरत है, वही बात है कि हम हर काम तो बड़ी तेज़ी से करते हैं, सदका खैरात में जान छुड़ाते हैं। हाँ मैंने उस दिन भी कहा था, अब एक बाबा जी हैं वो खरगोश जो है ना, खरगोश जो खरगोश के पैसे ले रहे हैं, भाई जान आप ये जो जानवरों के पैसे दे रहे हैं, बकरों के पैसे दे रहे हैं, क्या अल्लाह ने आपको हाथ नहीं दिए? आप खुद सदका नहीं कर सकते? यानी सदका खैरात में जान छुड़ाते हैं, क्या करें? बेहतरीन तरीका देखें, बेहतरीन तरीका यही है, पहले हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सुबह सवेरे सदका दो कि सदके के आगे बला कदम नहीं बढ़ाते, हदीस पाक है। तो हज़रत सदके का एक तरीका ये भी है, जैसे उन्होंने बताया कि आप अपने हाथ से बकरा है वो आप ज़बह करें, उसका गोश्त बनवाएं सही तरीके से और उसको गरीबों तक पहुँचाएँ, हमारे सदका करके जान छुड़ा ली जाती है। आप कह रहे हैं कि पूरी एफर्ट करनी चाहिए और ये खुद ज़बह करें, सदके में यही करना है। मैं आपको बकरा ज़बह करना है। आप जो कसाई है ना सर, एक बात बता, पैसे नहीं दे सकते जो कसाई है? मैं आता हूँ सर, मेरी बात का जवाब दे दें, पैसे नहीं दे सकते? पैसे भी गरीब को दे सकते हैं, सदका कर सकते, आप सदके में पैसे दे दिया, मेरा मतलब है सदका खैरात है, कोई बेचारा गरीब है मरीज, उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, तो आप उसको वो दें। अल्लाह के रसूल फरमाया सबसे बेहतरीन सदका पानी है, आप जहाँ पानी नहीं है वहाँ आप कुआं खुदवा दें, सदका जारी है। मैं ये आ रहा हूँ हज़रत आपकी बात पे कि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि किबला कि हमारे यहाँ दीन से दूरी है और हम हर चीज़ में जान छुड़ा रहे होते हैं, तो अपनी बिसात के मुताबिक सदका दें। एक सदका ये भी, आप अपनी छत के ऊपर सर आप मिट्टी के बर्तन रख दें, आप बाजरा डाल दें, पानी रख दें, अगर वो पी रहे हैं ये भी सदका है आपके लिए। अच्छा हाँ, फरमाया किसी मुसलमान के आगे से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका है। अब ये जो सदका है सदका खैरात, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जानवर को ज़बह करें, क्योंकि आप मैं बात बता रहा हूँ, कसाई आप देखेंगे कसाईयों की उम्र लंबी होगी, कितने कसाई देखेंगे तकरीबन आप, और आपको डील डोल वाले नजर आएंगे, आशा मजबूत होंगे कि जो खून अमीनी साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि ये जो खून जबा जो अपने हाथ से छुरी पे रहे होते ना सर, इससे कई बलाएं हट जाती हैं, तो होना ही चाहिए हाथ से काटना। हाँ, अपने हाथ से जबा करें सर, फिर उसको भाई हम पे तो इल्जाम लग जाता है फिर कुरैशी होने का। नहीं नहीं वो नहीं, अब मेरा मतलब ये सदका दें अल्लाह की राह में और फिर इसका गोश्त बना के गरीबों के घर तक जाए, इसका फायदा है। पैसे भी दे सकते हैं और बकरा काट के भी दे। हाँ लेकिन बाबों को पैसे ना दें, गरीब आदमी को पैसे दें, ये पीरों को पैसे ना दें सदके खैरात के, भाई अपने हाथ से सदका करें, अपने खानदान के गरीबों को दें। बेहतरीन तरीका, असल चीज ये कि इंसान के जो खून बहाना है ये जानवरों का, ये इंसान के खून का बदला उसका गोश्त गोश्त के बदले और हड्डियां हड्डियों के बदले, अगर तौफीकात हों तो खून बहाना ये सबसे अफजल सर। सुभान अल्लाह, पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसमें जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।